दलित पीड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बोले प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बोले प्रशासन मुर्दाबाद, 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 दलित पीड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो, अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाथरस की घटना ने साबित कर दिया है कि दलितों के साथ घटनाएं करो, दलितों का उत्पीड़न करो और उसको फिर झुठलाओ। डीएम स्तर के लोग, एडीजी स्तर के लोग और पूरा शासन चुप बैठा रहता है और डीएम और एडीजी इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि जो है मतलब सच पे पर्दा डाला जा सके और आरोपियों को बचाया जा सके। और उसके बाद बचाने का फल ये मिला है कि इतना साहस बढ़ा आरोपियों में कि पूरे प्रदेश में दसियों दर्जनों जगह घटनाएं, क्या भदोही, क्या मिर्जापुर, क्या बलरामपुर, क्या बागपत, बुलंदशहर, बाराबंकी, कोई जिला ऐसा नहीं छूट रहा जहाँ रोज जो है दलित उत्पीड़न नहीं हो रहा और अत्याचार नहीं और बलात्कार नहीं हो रहे। परसों मेरठ के शताब्दी नगर में हरपाल ठाकुर का मकान है, हरपाल ठाकुर के दो बेटे सतेंद्र और जितेंद्र बदमाश और दबंग किस्म के हैं। 6 महीने पहले उन्होंने इनकी दुकान से मोबाइल चुराया, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी 15 तारीख को उन्होंने वन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए दरवाजे पे लगा पेड़ काटा और काटने के बाद जो टहरे थे उनको वहाँ चलाया तो प्रदूषण अधिनियम का भी उल्लंघन किया और उस धरती पर कर रहे हैं जिस धरती पर एक्रोच बैन करके सरकारी जमीन को बंद करके नाली और सरकारी खड़ंजे जो है सब उखाड़ के अपना चबूतरा बना कर रह रहे हैं। और जब कहा बहू को धुआं लगा, दुकान में खड़ी थी जो परचून की दुकान है, बेटे की बहू खड़ी थी सौदा बेच रही थी तो धुआं लगा तो उसने बड़ी अदब से बेटे ने कहा कि भैया ये धुआं आ रहा है ऐसा ना करो, कहा कि धुएं से परेशान हो रही है, हम तो तुझे इस पे रख के जिंदा जला देंगे, तब क्या होगा तुम्हारा, सेम सेम सेम, और ऐसा ही करेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता, सरकारें हमारी हैं, सरकारी तुम्हारी नहीं है, इस तरह की हरकत। और तभी एट द सेम टाइम लिखकर रिपोर्ट इंचार्ज थाना प्रतापपुर को दी गई और कहा कि कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं की, बस सिर्फ इतना करा कि फैंटम पे दो सिपाही भेजे और वो थोड़ी दूर लेकर आए, घर से बाहर लेकर आए, बाद में वहीं छोड़ जाएगी, क्या सेटिंग उनका है पुराना हिसाब से, सुनो छोड़ दिया। उसके बाद सीओ से फोन करा परसों, सीओ सर्किल को फोन किया, उन्होंने कहा 11 बजे जो है ऑफिस पे आ जाइए, सीओ सर्किल ने 11 बजे अपने ऑफिस में बुलाया और बुलाने के बाद सीओ सर्किल ने भी कोई संतोषजनक कार्रवाई करने के बाद धमकाने का प्रयास किया और आज एसएसपी ऑफिस पर आए, इसलिए कि दो जगह सुनवाई नहीं हुई है, तीसरी जगह आज ये ज्ञापन दिया गया है और अपनी पीड़ा बताई गई है और इस पे भी यदि एक्शन नहीं हुआ तो निश्चित तौर से इस घटना को लेकर हाथरस से भी बड़ा आंदोलन मेरठ में खड़ा किया जाएगा, किसी कीमत पे दबने वाली नहीं है। अगर ठाकुर लोग ये सोचते हों कि हम दलितों को पीट कर बलात्कार करके दाब लेंगे तो हम लोग भी दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के बयान दे देते हैं कि ठाकुरों का खून गरम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो इस तरह का बयान देते हैं ठाकुरों का खून गरम है, ठाकुरों का खून गरम था तो जोधा भाई क्यों दे दी थी, गर्म खून वालों ने जोधा भाई दे के दूसरों को जीता क्यों बनाया था, तो गर्म खून वाले ऐसा नहीं करते। इस तरह की हरकतें करके बढ़ावा देना ये सहन नहीं किया जाएगा। और यहाँ विभिन्न संगठनों के लोग हैं हमारे बीच में, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और रोज जो है टीवी पे बैठे रहते हैं, बहसों में भाग लेते हैं, बड़ी बड़ी बहसों, इनको पता है पूरे देश में क्या कहाँ कहाँ क्या उत्पीड़न हो रहा है, रोज बोलते हैं। इसी तरह से सवाई मजदूर संघ के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं राजू धवन जी भाई, महामंत्री जी हैं कैलाश चंदोला जी, सवाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिनेश सूद जी और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर से कल से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, वो धरना भी हो सकता है, सड़क जाम करने का भी हो सकता है, जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई सतीश जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी जो है साथियों को दो दो शब्द कह के संबोधित करें। साथी सभी को मेरा जय भीम। और गेरा जी ने जो बातें बताई हैं, देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, सरकार चाहे किसकी भी हो, आप घटना के घटित होने का इंतजार करते हैं, है ना, जब घटना घट जाती है, चाहे हाथरस में भी यही हुआ कि बेटी के साथ रेप हुआ, पुलिस ने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद आपको सब कुछ कानून प्रशासन की बातें आती हैं। ये घटना भी लगभग लगभग उसी के जैसी है, जैसा उन्होंने डराया, जैसा उन्होंने धमकाया और उसको उस महिला को जो हमारी 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 बेटी है ना, उनको ये कहा कि हम तुम्हें इस पर जला देंगे, तो कितनी बड़ी बात है। मेरे हिसाब से ये देखिए योगी जी हो या योगी जी की जात के कोई भी आदमी,
योगी जी किसी जाति के मुख्यमंत्री की तरह से अगर उनका व्यवहार रहेगा तो उसमें सुधार आना चाहिए। वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो हमारा भी ये जिम्मेदारी है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, किसी धर्म की किसी किताब की शपथ नहीं ली है। उसमें ये सीधा सीधा है कि प्रदेश के व्यक्तियों की जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल 100% मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर पुलिस ने अगले 24 घंटे में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा, और ये इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की ही होगी। अरविंद गौतम जी, आपके सामने अपने विचार में। मैं ये कहना चाहूँगा कि अत्याचार तो पूरे प्रदेश में खाली दलितों पर नहीं, पूरे बहुजन समाज पर हो रहा है। वो अलग बात है कि ये चुन चुन के अत्याचार कर रहे हैं। अभी आप देखोगे पहले पिछड़े वर्ग पे करते हैं, कभी दलित पे करते हैं, कभी मुसलमान पे करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अलग अलग लोग रहें और एक साथ इकट्ठे ना हो जाएं। मेरा कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को इसमें एक साथ आना पड़ेगा, जब ये सरकार कुछ समझ पाएगी। अगर हम अलग अलग बैठ के ऐसे ही करते रहेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अलग अलग लोगों को दबाते रहेंगे। और अभी तो खाली उन्होंने चेतावनी दी है मानने की कि हम जला देंगे, अगर ऐसे ही चुप घर बैठे रहे तो एक दिन जला भी देंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर कहीं बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है तो उनके सब साथ दें और एक साथ मिलकर उनके साथ खड़े हो जाएं। सभी साथियों को धन्यवाद। अरविंद जी का सवाल बिल्कुल सही है, ये मूवमेंट दलित तक नहीं, पूरे बहुजन समाज का मूवमेंट है। आज जो ये घटना शताब्दी नगर में हुई है, निश्चित रूप से यदि हम इसको अवॉइड करते हैं तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी बढ़ती चली जाएंगी। और जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, निश्चित रूप से मानता हूँ कि आज तो कम कल ज़्यादा होगा, इन लोगों के दिमाग बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो मेरा तो अपने सीनियर नेताओं से ये प्रार्थना है कि कम से कम कल एक दिन का धरना अवश्य होना चाहिए, जो शासन प्रशासन के पास ये बात पहुँचे कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस पर अंकुश लगे। धन्यवाद। सभा बिंदु संघ की जनरल सेक्रेटरी कैलाश चंदोला जी, बड़े अफसोस और शर्म की बात है, यही घटनाएं महिलाओं बहन बेटी साथ क्यों हो रही है। अगर सरकार चाहे जैसे गुंडे पैदा होते हैं उनको, ऐसे गुंडों को पैदा सरकार ना होने तो ही अच्छा है, नहीं तो ये सरकार जनता को दोषी नहीं ठहर रहा है। जो भी फैले उसकी दोषी सरकार है, सरकार के गुंडों को राज नहीं करती है तो जनता किस पर छोड़ दे, जनता अपना राज नहीं जानती है। कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश सूद जी। साथियों जय भीम, आदरणीय सम्मानित सभी साथियों, साथियों मेरा तो इसमें एक प्रस्ताव है कि हमने अब इस में प्रतापपुर थाने में भी अपनी सूचना दे दी है और सीओ ब्रह्मपुरी को भी दिया है, और उसके बाद उन्होंने यदि हमारी बात नहीं मानी, हमने यहां पर आकर के भी एसएसपी ऑफिस पर भी अपनी शिकायत दी है, लेकिन यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम मेरा तो अपना प्रस्ताव है कि 19 तारीख को हम लोग डीएम पर एक प्रदर्शन करें, कार्यालय पर डीएम कार्यालय पर। तो साथियों, सभी साथियों से मेरा तो ये निवेदन है कि अगर सब प्रस्ताव को पारित करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इन्हीं के साथ नहीं है, हमारे समाज में, हमारे समाज के तकरीबन सभी दलित समाज के साथ इस सरकार में बहुत अत्याचार हो रहा है, और उस अत्याचार के खिलाफ यदि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो और इससे ज़्यादा अत्याचार होगा। तो मेरा कहना यही है कि जैसा भी हमारे सीनियर साथी हमें आदेश करेंगे हम उनके साथ हैं बिल्कुल। मेरा प्रस्ताव मैंने आपको बता दिया, जो मेरे सीनियर साथी आगे बताएंगे प्रस्ताव के लिए तो वो हम करेंगे बिल्कुल। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट में 11 बजे सोमवार को और सांकेतिक धरना होगा, पूरे दिन का भी होगा, एक घंटे का होगा, सांकेतिक डीएम को बताने के लिए। उसके बावजूद भी ये प्रशासन नहीं चेता तो जैसे आप लोग आगे फैसला लेंगे, समाज आप सब लोगों के साथ रहे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।